पहले किसकी शादी करना चाहते हैं? दोनों की उम्र लगभग एक जैसी हो तो किसकी करना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा में उत्तान व्रत का प्रसंग बाद में आता है, बेटियों की चर्चा पहले आती है। जो देवहूति है उसका विवाह कर्दम के साथ में हुआ है। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हमने आपको बताए, उनमें से ब्रह्मा के दक्षिण भाग से, दक्षिण स्तन से धर्म पैदा हुआ और अधर्म से, पीठ से अधर्म पैदा हुआ, छाया से कर्दम का जन्म हुआ है। उन्हीं कर्दम के साथ देवहूति का विवाह हुआ है और देवहूति से आगे चलकर कपिल आद का जन्म हुआ है। और उधर जो आपको बताया था मरीचि, मरीचि की पत्नी थी कला और कला से जन्म हुआ है महर्षि कश्यप का। और कश्यप की पत्नी जो प्रसूति से जन्म लेने वाली दक्ष की कन्याएं हैं, उन कन्याओं का विवाह हुआ है कश्यप के साथ। कश्यप की उन पत्नियों में एक है दिति। दिति की संतानें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप के पीछे भी कहानी है। एक बार सनक सनंदन सनातन कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, छह देवड़ी पार कर गए हैं और जब आगे बढ़े हैं तो जय विजय ने रोक लगा दिया है। सनक सनंदन सनातन कुमार ने उन्हें कहा कि तुम भगवान के इस लोक में रहकर तुम अभी नीच पुरुषों जैसा व्यवहार करते हो, इसलिए तुमको नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वही हिरण जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं दिति के गर्भ से। और जय विजय को साप तो दे दिया, लेकिन भगवान के ये आदमी है बाद में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पश्चाताप हुआ है और जय विजय ने अपने उद्धार का उपाय पूछा है। तब उन्होंने कहा है कि जिस भगवान के साथ तुम रहे हो, इस लोक मर्यादा का उल्लंघन करके तुमने जो व्यवहार किया, इसके कारण मैंने साप दिया, लेकिन भगवान का संग कभी निष्फल नहीं जाता, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान ने जय विजय का उद्धार करने के लिए, जो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में एक जन्म में लेता है, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण, तीसरे जन्म में आगे की कथा है लेकिन अभी बोल देते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र। कंस कालनेमी का अवतार है, कालनेमी का। ध्यान दें, आज तक की जो कथा है हिरण्याक्ष तक कथा है। ये हिरण्याक्ष का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने वराह का रूप लिया है, वराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। श्रीमन नारायण 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 हजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण Thank you.
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुकमुक विगलित निगम कल्प पल, परमानंद सुधा रसमय फल ये, लीला रती रस रस लीदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, ब्रह्म मृत्यु मय भव भय हरिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवतत्व रहस्यम प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासिनी, भक्ति मूर्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा आचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारम उजगेन्द्रनारम, सदा वसन्तविद्यारविन्दे, भवं भवानि हरितं नमामि, मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजौ, मङ्गलं पुण्डरीकातो, मङ्गलायतनो हरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ಸಂಬಗೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುರೆ, ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುರೆ, ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುರೆ, ಕುಲ ಸದ ಗುರು ದೇವ ಕೀ ಜಯ, ಭಾಗವತ ಭಗವಾನ ಕೀ ಜಯ, ಜಲೇನ ಶಿಥಿಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪುಷ್ಪೈ ದೇವತಾ ವಿವಂದನಂ, ಹಸ್ತೈ ದೇವತಾ ವಿವಂದನಂ, हाथ से भागवत भगवान को आरती दीजिएगा, हस्तै विदेवता विवंदनम, सभी कोई अपने हाथ से आरती लेंगे, स्वात्म कल्याणार्थे रक्षणार्थे आत्मा विवंदनम, हस्तौ प्रक्षाल्य, माणि प्रथमान्यासन्न हे नाकामायि मानः सजन्नान्दाजतर पूर्वे सा श्रवणाय गुरुमहे समे काम
कुबेराय विश्वाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भूर्भुवः स्वः राज्यं वैश्वराज्यं महाराज्यं राजाधिराज्यं विश्वरो भागवत भगवान की कृष्ण चंद्र भगवान की सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण